क्या हुआ? आवाज आ रही हो रहा बोल, मेरे मिल्लत कने आयो, मेरे मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़े दिनों से देखता चला रहा हूँ, एक तो मद्दा छाया हुआ है गरीबी का आलम, दूसरी बात जिस कारखाने में तशरीफ जा रही है उस कारखाने के हाल ये है, काम तो है रेट नहीं है। ये माजरा क्या है जो रेट नहीं मिल रहा है? कपड़ा मिल रहा है लेकिन रेट हमको नहीं मिल रहा है। कारीगर रो रहा है, जगह जगह पे भटक रहा है कारीगर, सी रहा है, 200 का पीस है, काम वाला कह रहा है ए ये 140 का सिला जा रहा है, सीना है तो सी वरना मत सी, अपना हिसाब कराओ चलते बन। काम वाले से कह रहा है कारीगर ए उस्ताद ये 200 रुपए का पीस है, तुम हमारा खून क्यों खींच रहे हो? जैसे हमारा जिशान है 200 रुपए का पीस उठा के ला रहा है और कसम खुदा की 120 रुपए में सिलवा रहा है, ऐसा ऐसा हराम खाया जा रहा है, ऐसा ऐसा हराम खा रहे हैं। नारे दर्दोदी मध्य तेरा सहारा, नारे दर्दोदी मध्य तेरा सहारा। ये नवदिया का काम वाला है कारीगरों को परेशान कर रहा है, इसे मालूम नहीं अगर 250 का पीस उठा के ला रहा है, अगर तू 30 का माल रख दे 20 अपने लिए रख ले वो कितना सही होगा, लेकिन तू 250 का पीस उठा के ला रहा है कसम खुदा की, लेकिन वो 120 में सिलवा रहा है। कारीगर रो रहा है, कारीगर रो रहा है, कह रहा है काम वाले तू रेट बढ़ा दे, लेकिन तू रेट नहीं बढ़ा रहा। नारे आप देखो हमारे नवदिया शरीफ से इतने इतने छोटे बच्चे ये छोटा सा बच्चा अपने घर से आया है, ये उम्मीद लेके आया है, इसकी बहन की शादी है, मैं जयपुर जा रहा हूँ और पैसे कमा के लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे आके क्या देख रहा है? कारीगर सब रो रहे हैं। पूछा है भाई तुम क्यों रो रहे हो, ये कारखाने के हालचाल क्या है? तो बउआ बता रहा है, कारीगरों से पूछ रहा है ए मेरे भाई अनीस भाई आप बताओ इसके रेट क्या है? तो अनीस भाई कह रहा है ए मेरा भाई मुझको 3 महीने हो गए हैं, लेकिन 3 महीने में मैं 30,000 रुपये नहीं बचा पाया, 30,000 तो छोड़ो 20,000 नहीं बचा पाया। कसम खुदा की कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जो काम कर हुआ होता है उसी से खाना खाना पड़ जाता है।